हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 124 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा बोटन स्ट्रीम पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग चैलेंजिंग सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो सवाल क्या है हम लोगों का, आज बोल रहा है ए एंड बी आर टू पॉइंट्स विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी दो पॉइंट है जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ए बोट हैविंग स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, एक बोट जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, इन स्टिल वाटर में वाज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। स्ट्रीम के अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम जा रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्टर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वॉज इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मतलब वो 80 किलोमीटर सबसे पहले वो अप स्ट्रीम ट्रैवल किया होगा। बोट का स्पीड 25 है और हम लोग अगर स्ट्रीम का स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हम लोग यहाँ से एक्स बोल देते हैं तो अप स्ट्रीम जाने में क्या हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस x, पहले 80 किलोमीटर गया। 80 किलोमीटर के बाद क्या बोल रहा है कि उसका इन स्ट्रीम का इन स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है, x प्लस 4 हो जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू फ्लड एंड ड्यू टू दिस द बोट हैड रीच्ड द पॉइंट बी 30 मिनट अर्लियर, मतलब पहले जितना समय लग रहा था उससे 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, ठीक है। सॉरी 30 मिनट के बाद पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर से बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है 30 मिनट से लेट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुराना टाइम और नया टाइम का अंतर ही हमें दिए हुए है, ठीक है, 30 मिनट। तो सबसे पहले नया टाइम हमारा क्या है, 80 किलोमीटर चला वो 25 माइनस x, रेस्ट ऑफ द 40 किलोमीटर वो जो चलेगा वो क्या चलेगा 25 माइनस में क्या x प्लस में 4, ठीक है, क्योंकि स्पीड की स्ट्रीम अब 40 किलोमीटर के लिए क्या है x प्लस 4 है, ठीक है। ये हो गया हमारा नया वाला समय। अगर पुराने वाले समय को हम लोग कंसिडर करें कि जब स्ट्रीम की स्पीड नहीं बढ़ी होगी तो वो क्या होगी हमारी 120, वो नॉर्मल एज इट इज स्पीड से चलेगा, 25 माइनस में क्या x है, और इन्हीं दोनों का अंतर दिए हुए है कितना 30 मिनट, आवर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 60 से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो 80 है 25 माइनस x, यहाँ पे 120 है 25 माइनस x निगेटिव में है, यानी कि इसको ये वाला टर्म को हम लोग अगर एज इट इज लिख दें 40 बाई में 25 में 4 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस में क्या x, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें 80 बाई 25 माइनस x और 120 बाई 25 माइनस x क्या देगा हमें 40 बाई में कितना 25 माइनस में x, ठीक है, बराबर में 1 बाई में कितना 2, ठीक है। अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 21 माइनस एक्स इंटू में क्या 25 माइनस में क्या एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 40 जो है ना, ये दोनों जगह 40 है, ये क्या करो कॉमन लेके इधर ले आओ, तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में हमारा क्या बचेगा 25 माइनस में एक्स, ठीक है, माइनस में हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 21 और माइनस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स एक्स यहाँ से हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये होगा हमारा 4, नीचे में 21 इंटू क्या होगा 25, 21 इंटू 25 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 21 और 25 चूंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही 21 प्लस में 25 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हमारा x, ठीक है, और माइनस में यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या 1/80। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ से हमारा 320 हो जाएगा, बराबर में 21 गुना जब 25 करेंगे तो ये हमें देगा 525, ठीक है, माइनस में हमारा कितना 46x प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 46x और 525 में जब 320 चला जाएगा तो ये हमें क्या देगा प्लस में 205, बराबर में क्या 0। इसी को जब हम लोग तोड़ेंगे 205, जो 205 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 205 टूटेगा 41 इंटू क्या 5 में, और 41 प्लस 5 भी करेंगे तो 46 आ जाएगा, यानी माइनस 41 और माइनस में 5, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस में 41 और क्या प्लस में हमारा 5, ठीक है। ध्यान दो अब दोनों ही चीजें जब प्लस में आई हैं तो हमसे पूछा ही था यही, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की इनिशियल स्पीड यानी x का वैल्यू पूछ रखा है। अब x 41 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, प्लस में अगर आप बोलोगे तो ये, लेकिन x की वैल्यू जो होगी वो 5 ही होगी, 41 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोट का स्पीड जो है वो 25 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है
वो कभी भी बोट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पे 41 होगा नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा 5 जो होगा वो आंसर होगा, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,